Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Stanley Fish, who was a reader response critic. So, इन्हें जो है reader response category में आते हैं कि category में आते हैं और जो ये थे American literary scholar थे, इनका जो most famous concept था वो था interpretive communities. So, अब हम इनकी books के बारे में बात करते हैं. So, इनकी पहली book थी Is There a Text in This Class? ये इनकी book का नाम है, Is There a Text in This Class? सेकेंड बुक इज़ सरप्राइज बाई सिन सेमिकॉलन द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट. थर्ड इज़ इंटरप्रेटिंग द वेरियोरम. सो नाउ ही सेड दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी टेक्स्ट इज़ नॉट द मीनिंग. ये बोलते हैं कि जो एक टेक्स्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंग से भी बढ़कर कुछ जो है कॉन्टेक्स्ट होता है कि वो वर्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है वो ज़्यादा चीज़ मतलब मैटर करती है एक टेक्स्ट में, कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यानी किस सेंस में बोला जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेक्स्ट के लिए. देन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलती हूँ कुत्ता कमीना टू माई फ्रेंड्स, तो ये तो मतलब ह्यूमरस वे में लिया जाएगा. जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस समझाऊंगी, जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कुत्ता कमीना, सो मैं उसे ये मतलब ह्यूमरस वे में बोलूँगी तो वो इस बात का इतना बुरा नहीं मानेगा. बट अगर मैं ये किसी स्ट्रेंजर को बोलूँगी जिसने मेरी कार को जो है डैमेज किया, सो अगर मैं ये चीज़ उसे बोलूँगी तो उसे ये काफ़ी हर्ट करेगी. सो द वर्ड इज़ सेम, वी से कुत्ता कमीना टू अवर फ्रेंड्स इन अ ह्यूमरस वे, बट सेइंग सेम वर्ड्स टू अ स्ट्रेंजर हु बम्प्ड माय कार इज ऑफेंसिव, कि ये मतलब उसे जो है ऑफेंड कर देगी मैं अगर उसे कुत्ता कमीना बोलूँगी तो. द वर्ड इज़ सेम बट द कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट, कि मतलब वर्ड सेम है मतलब हम किस जगह पे इसे यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को वो काफ़ी डिफरेंट है, कि मतलब एक जगह मैं कुत्ता कमीना अपने फ्रेंड्स को बोल रही हूँ और एक जगह मैं किसी स्ट्रेंजर के ये शब्द बोल रही हूँ. तो मतलब यही बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है मेरी तरफ से दिया गया. सो द वर्ड इज़ सेम बट द कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट, कि मतलब वर्ड सेम है और जहाँ बोला जा रहा है ये अलग है, कि एक जगह मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और एक जगह जो है मैं स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि मीनिंग जो हर वर्ड का जो है मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट होता है वो डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट में कि हम किस सेंस में उस वर्ड को जो है बोल रहे हैं. देन टेक्सचुअलिटी के बारे में बताते हैं. टेक्सचुअलिटी क्या होती है? लुकिंग एट द टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स ऑन द पेज, कि मतलब टेक्स्ट को देखो और इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स ऑन द पेज, और जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को जो पेज पे लिखे गए वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को जो है इंटरप्रेट करो. सो हाउ मीनिंग चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट, कि कैसे मीनिंग चेंज होता रहता है मतलब टेक्स्ट, ये डिपेंड करता है कि वो टेक्स्ट जो है किस सेंस में लिखा गया है. हाउ मीनिंग चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट. देन फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट आस्क इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, कि मतलब एक स्टूडेंट है वो पूछता है कि अगर आपके पास ये वाला टेक्स्ट है तो इसे प्रोफेसर कैसे मतलब एसोसिएट करेंगे और साथ ही साथ जो है बाकी बच्चे जो है इसको किस रेफरेंस में लेंगे. जैसे अब प्रोफेसर हर्ड दिस अटरेंस, जैसे ही अगर ये प्रोफेसर सुन लेगा एक बच्चे की बात को कि इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, तो वो सोचेगा, वो अज्यूम करेगा दैट द स्टूडेंट इज़ इंक्वायरिंग वेदर द टेक्स्ट बुक दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ देयर और नॉट. कि अगर एक बच्चा है वो पूछता है कि अगर किसी के पास टेक्स्ट है ये वाला, तो अगर प्रोफेसर मतलब उसको ये सुन लेगा तो वो ये अज्यूम करेगा कि वो बच्चा जो है वो वाली टेक्स्ट बुक मांग रहा है जो इस लेक्चर में रिक्वायर्ड है. और मतलब भले ही मतलब प्रोफेसर तो इसे इस तरह से एसोसिएट करेगा, लेकिन वो बच्चा का माइंडसेट अलग है. क्या पता वो इस वाले लेक्चर की बात टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हो या फिर अगले लेक्चर में होने वाली टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हो. तो ये जो है डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में कि किस सेंस में बोला जा रहा हो. द स्टूडेंट अटर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. देन स्टैनली फिश सेज हाउ मीनिंग चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट, कि स्टैनली फिश बताते हैं कि हर मीनिंग जो है टेक्स्ट के हिसाब से जो है बदलता रहता है.
कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि मतलब कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में. एंड द कॉन्टेक्स्ट वुड डिपेंड अपॉन द रीडर, और वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है रीडर पे कि वो उसे किस सेंस में परसीव कर रहा है, किस सेंस में वो उसे समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. रीडर कैन अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट और अ वर्ड इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि ये जो रीडर होते हैं वो मतलब किसी टेक्स्ट को या फिर किसी वर्ड को जो है बहुत डिफरेंट वे में जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है अंडरस्टैंड करते हैं. द राइटर माइट हैव इंटेंडेड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, मतलब जो है राइटर जो कुछ सोच के मतलब कुछ मतलब अलग सोच कर जो है किसी टेक्स्ट को जो है क्रिएट करता है, बट रीडर जो है अपने परसेप्शन के हिसाब से जो है उस टेक्स्ट को बहुत अलग वे में जो है अंडरस्टैंड करता है. तो यही लिखा है कि रीडर कैन अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट और अ वर्ड इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट द राइटर माइट हैव इंटेंडेड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि राइटर किसी और वे से लिखता है बट रीडर उसे किसी और वे से अंडरस्टैंड करता है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटिव कम्युनिटी. सो इंटरप्रेटिव कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ? स्टैनले फिश वॉज ऑल्सो अ सोशल रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक. सो ये स्टैनले फिश जो थे इन्हें बोला जाता है सोशल रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक, सोशल रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक, क्योंकि इन्होंने जो है अपना एनालिसिस दिया था कि एक कम्युनिटी को जो है हम कैसे जो है एनालाइज कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. सो आगे हम बात करेंगे. ही लुक्स एट हाउ सोसाइटी इज़ गोइंग टू इंटरप्रेट द मीनिंग. सो वो देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो कैसे इंटरप्रेट करती है मीनिंग को. देन देर इज़ एन इंटरप्रेटिव कम्युनिटी. वो बताते हैं कि जो एक कम्युनिटी होती है जिसे बोला जाता है इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, और ये इंटरप्रेटिव कम्युनिटी क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रीडर्स हु शेयर्स द सेम कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड. इंटरप्रेटिव कम्युनिटी वो होती है, एक ग्रुप होता है रीडर्स का जिनके जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. Then, according to Fish, interpretation of literature depends upon experience within their interpreting community. कि Fish बताते हैं, Stanley Fish बताते हैं कि कि लिटरेचर का इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है उनकी कि लोग जो है किस कम्युनिटी में रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, कि लोगों का जो है कम्युनिटी में रहकर क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उस पर डिपेंड करता है लोगों का इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर. ऐसा फिश कहते हैं. अकॉर्डिंग टू फिश इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर का इंटरप्रिटेशन बेस्ड है कि जो रीडर्स हैं वो किस कम्युनिटी के बीच में रहकर जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उस एक्सपीरियंस पर जो है लोगों का जो है रीडर्स का जो है इंटरप्रिटेशन जो है लिटरेचर पर बेस्ड होता है. हाउ अ सोशल ग्रुप इंटरप्रेट द टेक्स्ट इन अ डिफरेंट वे देन द अदर सोशल ग्रुप. वो बताते हैं कि एक सोशल ग्रुप जो है अलग वे से जो है इंटरप्रेट करेंगे टेक्स्ट को, कि हर एक जो मतलब सोशल ग्रुप है उनका डिफरेंट तरीका होता है टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का. वो एक ग्रुप से जो है मतलब अलग होता है, हर एक ग्रुप का जो है अलग होता है इंटरप्रिटेशन. एवरी टेक्स्ट इज़ गोइंग टू गेट अ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, कि हर एक टेक्स्ट का जो है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है. इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द क्योंकि इंटरप्रेटिव कम्युनिटी के कारण जो है हर एक टेक्स्ट का जो रिस्पॉन्स होता है वो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये जो है रीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस कम्युनिटी के बीच में रह रहे हैं, उनका कैसा कल्चरल बैकग्राउंड है, उनका कैसा लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है. सो एवरी रीडर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हर एक रीडर जो है प्रोड्यूसर है अपनी सोसाइटी का. रीडर्स कैन बिलोंग कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली टू मोर देन वन कम्युनिटी, कि रीडर जो है बहुत सारी कम्युनिटी से जो है कनेक्टेड रहता है, भले ही वो कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली हो एट द सेम टाइम. सो दे कैन चेंज फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर एट डिफरेंट टाइम्स, कि हर जो रीडर है वो एक से दूसरी कम्युनिटी को बदलता रहता है और अलग अलग समय पे. फॉर एग्जाम्पल माई इंटरप्रिटेशन गोइंग, जैसे मैं एक टेक्स्ट को रीड कर रही हूँ तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन होगा वो बेस्ड होगा मेरे कल्चरल लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस पर, और जो मेरी जिस कम्युनिटी में मैं रहती हूँ तो उन सभी को लेकर जो है उन सभी का ब्लेंड
मतलब उन सभी को ब्लेंड करके जो है मेरा इंटरप्रिटेशन होगा एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद. सो दिस इंटरप्रिटेशन गोइंग टू डिफर फ्रॉम वन कम्युनिटी टू द अदर. और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये डिफ़र करेगा एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के लिए. सो इंटरप्रिटेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर हैम्परिंग अवर इंटरप्रिटेशन. सो इंटरप्रिटेशन जो है उस पर भी डिपेंड करती है कि क्या क्या सोशल नॉर्म्स है, क्या क्या सोशल आइडियाज़ है, क्या क्या वैल्यूज़ है जो कि हमारी इंटरप्रिटेशन होने से रोक रहे हैं. सो इस पर भी जो है इंटरप्रिटेशन हमारा डिपेंड रहता है. सो इसी के साथ ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है. सो इस लेक्चर में मैंने स्टेनले फिश के बारे में बात की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, देन मैंने उनकी बुक्स के बारे में बात की, देन मैंने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, टेक्सचुअलिटी क्या होती है, इंटरप्रेटिव कम्युनिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू स्टेनले फिश. सो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ राइट डाउन कमेंट्स.